अभी हम खड़े हैं पुष्कर के राजकीय अस्पताल के परिसर में। इस परिसर से ठीक सटा हुआ जो ये नोरा है, यहाँ पर आज सुबह अज्ञात कारणों से आग लगी थी। आग को पुष्कर के जो फायर ब्रिगेड ने है उसने तत्परता के साथ आग पर काबू पाया, और आग पर काबू पाने के बाद यहाँ पर जो सैकड़ों केटामाइन की शीशियाँ मिली उसने एक बार फिर सिद्ध किया कि पुष्कर में केटामाइन का जो नेटवर्क है वो लगातार बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब देखना होगा कि किस तरह पुलिस केटामाइन की इस नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब होती है। पुष्कर से सीताराम पाराशर। पुष्कर के राजकीय अस्पताल के पास स्थित खाली पड़े एक बाड़े में शुक्रवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। नगर पालिका के फायर ब्रिगेड दस्ते ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। हादसे में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन आग बुझाने के दौरान सैकड़ों केटामाइन की खाली शीशियां मिलने से पुष्कर पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया। पुलिस के जरिए नगर पालिका फायर दस्ते को आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन कर्मचारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि करीब 3 बीघा बाड़े में यह आग लगी थी। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन आग बुझाने के दौरान केटामाइन की सैकड़ों खाली शीशियां मिलने से एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि धार्मिक नगरी पुष्कर में केटामाइन का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, और इसे तोड़ने के लिए पुष्कर पुलिस को कड़ी मशक्कत करने की ज़रूरत है। हमें पुलिस कंट्रोल से फायर कॉल आया था और हम मौके पर आके जो आग थी बाड़े के अंदर उस पर काबू पा लिया। कितनी जगह में लग रही थी आग? ये समथिंग 2.5-3 बीघा के अंदर थी और घास फूस में थी, जिसमें कोई नुकसान नहीं था। आप पाना और हॉस्पिटल के पास में।